माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपको सब पता, मैं सवरिक ब्लॉक का रहने वाला हूँ। जितनी मेरी लंबाई छोटी उतनी छोटा किसान हूँ मैं। 5 बीघा आलू साहब 3 साल से कर रहा हूँ, कोई उसका मूल समर्थन मूल सही नहीं मिल पा रहा। और रही बच्ची साहब, जो गाय और सरण सब खाए जा रहे हैं, बड़ा परेशान हुआ। अध्यक्ष जी, मैं आलोक जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कन्नौज के किसानों की उन्होंने बात रखी। यहाँ हमारे एक समाजवादी साथी भी बैठे हैं, कुक्कू चौहान। एक समय ऐसा था, उनके साथी भी हैं यहाँ पर, कि आलू का किसान बहुत परेशान था पिछली फसल वाले में भी। जब पिछली वर्ष आलू का संकट आया और किसानों को कीमत नहीं मिल पा रही थी और कोल्ड स्टोरों में बुरी तरीके से सड़ रहा था आलू, उस समय याद होगा कि सरकार ने कहा था कि हम आलू को खरीदेंगे और किसान को कीमत देंगे, बाजार भाव से ज्यादा कीमत देंगे। सरकार भूल गई और उसको याद दिलाने के लिए यही समाजवादी साथी गाड़ी में आलू रख करके लेके गए थे लखनऊ तक। ये हमारे समाजवादी साथी नए थे तो इन्हें मुख्यमंत्री आवाज नहीं दिखाई दिया, तो इन्होंने देखा कि जो जो बड़े बड़े घर हैं वहां, उन घरों के सामने ये आलू छोड़ के आ गए। और ये अच्छा हुआ कि जब सवेरे आंख खुली तो एक गवर्नर हाउस में आलू मिला, विधानसभा के सामने भी आलू मिला, लेकिन पूरा साफ था मुख्यमंत्री जी के आवाज के सामने। लगता मुख्यमंत्री आवाज के सामने इन्होंने अच्छा आलू भेज दिया था। तो संकट पहले भी था और अभी भी है। सवाल यह है कि जब तक सरकार सामने नहीं आएगी तब तक किसान का भला नहीं हो सकता। कोई आढ़तिया, कोई व्यापारी या कारोबार करने वाला आपकी मदद नहीं करेगा। इसीलिए आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं, कन्नौज में तो आलू की मंडी बन रही थी और मलियाबाद में आम की मंडी बन रही थी, मैनपुरी में अनाज और लहसुन और प्याज की मंडी बना रहे थे, और बाबा रामदेव जी को हमने 400 एकड़ जमीन इसलिए दी कि वो योग के साथ साथ घी का कारोबार भी कर रहे हैं या और चीजों का भी कारोबार कर रहे हैं। तो ऐसे कारोबार करने वालों को भी बढ़ावा देना पड़ेगा, और जो रिस्क लेनी है किसान को कीमत दिलाने के लिए वो सरकार को ही इंतजाम करना पड़ेगा। बस गरीब और किसान को जाति धर्म भूल करके अपनी पार्टी को, अपने दल को पहचानना होगा। और मुझे याद है उस दिवाली के दिन जब मैं यहां से जा रहा था, एक दिन पहले, हमारे कुछ समाजवादी साथी जानते होंगे, दिवाली के दिन जब मैं यहां से जा रहा था तो मैंने ट्रक देखे थे, 12 ट्रक गोभी से भरे हुए जा रहे थे। तो मैंने यही अंदाज लगाया कि इन्हें तो दिल्ली की तरफ जाना चाहिए था, ये लखनऊ की तरफ गोभी क्यों जा रही है। वो इसीलिए गोभी जा रही थी लखनऊ की तरफ कि शायद दिल्ली में कीमत नहीं मिल पा रही थी, दूर रही होगी दिल्ली, लखनऊ में कीमत जल्दी मिल जाती, इसलिए वो 12 के 12 ट्रक उधर जा रहे थे। तो ये मंडी और सड़क इसलिए बनाई है, शहर के लोग तो चले ही चले, लोग भी चले, लेकिन इससे सीधा फायदा हमारे किसान को हो उसका इंतजाम सरकार ही कर सकती है। आपको बस सरकार पहचाननी है। ये बीजेपी वाले आलू को नहीं पसंद करते, ये सुविधा नहीं दे सकते आलू के लिए।